हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेयर मास्क की थोड़ी सी एडवांस चीज़ों को। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा इमेज है जिसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, मैं इस इमेज में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो औरत है इसको छोड़कर बाकी पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है वो सारे के सारे ब्लैक एंड वाइट हो जाए। तो देखिए, इस तो सब आसान तरीका तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसको सिलेक्ट करें और बाकी का एरिया ब्लैक एंड वाइट कर दो। लेकिन क्योंकि मैं लेयर मास्क के ज़रिए बताना चाहता हूँ तो इसलिए हम थोड़ा लेयर मास्क को देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इस लेयर की कॉपी ले लीजिए। तो कॉपी लेने का दो तरीका है, एक तो आप इसको ड्रैग करके इस न्यू लेयर वाले आइकन पर छोड़ दीजिए और दूसरा ये है कि आप इसके ऊपर रहते हुए कंट्रोल जे प्रेस करें तो ये एक न्यू लेयर बना के दे देगा। तो अब इस न्यू लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और नीचे वाले लेयर पे आके और यह सब ब्लैक एंड वाइट वाला एडजस्टमेंट ले लीजिए। तो देखिए, इसको लेते ही पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ये जो फूल है ये थोड़ा सा ब्राइट है। तो इस फूल को ब्राइट करने के लिए देखिए, इस फूल का जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश है। तो हम थोड़ा सा रेड को थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे। तो देखिए रेड को बढ़ाने से जिस एरिया पे रेड है वो एरिया लाइट हो रहा है। तो ऐसा इस चीज़ के साथ आप खेल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आपका ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो और भी अच्छा लगता है इससे। तो मेरे लिए इतना ठीक है क्योंकि मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये हो गया फोटो ब्लैक एंड वाइट। अब ऊपर वाला लेयर फिर से ऑन करते हैं। अब देखिए, ये पहले जैसा बन गया, लेकिन हमें बस इस लड़की को कलर रखना है। तो इसके लिए देखिए, इस ऊपर वाले लेयर पे आएंगे और यहाँ पे एक मास्क वाला जो बटन है इस मास्क पे क्लिक कीजिए। तो देखिए, ये एक वाइट मास्क आया है। वाइट मास्क मतलब पूरा एरिया शो हो रहा है, ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। लेकिन हमें चाहिए एक ब्लैक मास्क। तो ब्लैक मास्क के लिए ऑल्ट प्रेस करते हुए इस मास्क वाले बटन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, एक ब्लैक मास्क आ गया। तो अब ब्लैक मास्क पर रहते हुए हम ब्रश लेंगे और इस लेयर वाली आइकन पर क्लिक करेंगे। तो अब हम थोड़ा हार्ड ब्रश लेंगे। तो हार्ड ब्रश चेंज करने का एक तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से बताता हूँ कि आप ऑल्ट का बटन दबाइए और राइट क्लिक दबा कर अगर आप लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा और अगर आप राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होता रहेगा। इसी तरह से अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो माउस मतलब आपका ब्रश जो है तो ब्रश सॉफ्ट होता रहेगा और अगर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ब्रश हार्ड होता रहेगा। तो हमें चाहिए हार्ड ब्रश और छोटा ब्रश। तो इसे छोटा कर लिया पहले, थोड़ा और छोटा। अब इस वाले एरिया से हम इसे पेंट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसे थोड़ा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक बार आपने क्लिक किया और शिफ्ट दबाते हुए जहाँ तक आपको स्ट्रेट जाना है वहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन में बना देगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो अब एक चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल इमेज पे ही तो क्योंकि इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल इमेज पे भी वाइट ही था सब। तो यहाँ पे क्लिक करने पे कोई और कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस मास्क को देखते हैं
तो देखिए यहाँ पे डॉट्स मैंने डाले हुए हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो वो एरिया शो हो जाएगा। तो मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ज़्यादा हो गया। तो मैं एक्स दबा रहा हूँ, एक्स दबाने से क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर है वो अब स्विच हो जाएंगे। तो ये अब देखिए हमारा फोरग्राउंड में जो है ब्लैक कलर आएगा, मतलब ब्लैक कलर मास्क पे है तो वो डिलीट करेगा चीज़ों को। तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा। अब फिर से एक्स दबाते हैं, तो अब अगर इस मास्क को हम थोड़ी देर के लिए शो करते हैं तो मास्क को शो करने का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस ऑल्ट और मास्क पर लेफ्ट क्लिक। तो अब देखिए यहाँ पे हमने चारों ओर से एक पहले हमने डिसाइड कर तो पहले हमने चारों ओर से सिलेक्ट कर लिया, अब बीच में ब्रश को बड़ा करके सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए इस लड़की को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अब अगर आप चाहे तो इसको इसे थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा लाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे कलर बैलेंस पे जाते हैं। और यहाँ पे मिड टोन पे रहते हुए रेड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो अब देखिए अगर मैं रेड को बढ़ा रहा हूँ तो ये पूरा इमेज पर जो है इसका इफेक्ट हो रहा है और बैकग्राउंड फिर से थोड़ा थोड़ा कलर हो रहा है। तो इसके लिए एक चीज़ रहती है क्लिपिंग मास्क, तो यहाँ पर ये आप जो साइन देख रहे हैं ये है क्लिपिंग मास्क का बटन। और अगर ये क्लिपिंग मास्क आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप इस दोनों लेयर के बीच में जाइए और ऑल्ट प्रेस कीजिए तो ये आपका साइन आ गया क्लिपिंग मास्क का। तो यहाँ पे प्रेस कीजिए तो देखिए अब ये सिर्फ जिस लेयर के ऊपर है उसी लेयर पर काम करेगा। तो मिड टोन से थोड़ा सा लाइट को हमने बढ़ाया, हाईलाइट से भी थोड़ा सा रेड को हमने बढ़ाया। देखिए पहले ये ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।